हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल इज्जू की लाइफ में। बहुत से कमेंट में आता था कि लोडिंग का वीडियो बनाइए, अनलोडिंग का वीडियो बनाइए। तो ये देख सकते हैं, सामने में किसान भाई ने गाय भैंस को ख़रीद लिया है और ये देखिए दो लोड पहले से तीसरी को लोड किया जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप तीन भैंस को परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको दो गाड़ी कर लें ताकि हमारे बच्चे उसमें बच्चे जो हैं उनको तकलीफ ना हो और वो आराम से जा सकें घर तक। थोड़ा लंबा सफ़र होने के वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अगर तीन भैंस खरीदते हैं तो दो गाड़ी कर लें। और कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है कि पैसे का चार्ज ज़्यादा हो जाता है। मान लिया जाए अगर 60 किलोमीटर कोई कहीं यहाँ से परचेस जे गढ़नी मंडी का आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर गढ़नी मंडी से किसी ने परचेस किया और उसे कहीं लंबा 60 किलोमीटर लेके जाना हो, तो 60 किलोमीटर का किराया भी अगर वो कम से कम ले लेंगे तो दो ढाई हज़ार बचाने की वजह से लोग एक ही लारी गाड़ी में जो ये पिकअप सामने देख रहे हैं तीन भैंसों को लोड करते हैं। बहुत कठिनाई से ये देखिए लोड हो चुकी है, तीन काप भी अंदर है, तीन भैंस भी है, भैंस की मोटापन देख भी सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मतलब ये था दिखाने का कि क्या ये लोडिंग करना तीन भैंस को एक ही गाड़ी में बढ़िया है। अगर बढ़िया नहीं है तो फिर किसान भाई अगर तीन भैंस खरीदता है तो उसको 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लगाना चाहिए। अपनी राय वीडियो के कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो कैसा लगा, मेरी सोच कैसी थी, दिखाना चाहिए था या नहीं, ये भी बताएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।